अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और ये जी सुबह सुबह का टाइम है और मैं कपड़े सी कर रही हूँ सुबह 6 बजे, क्योंकि मुझे जाना है। और कहाँ जाना है मैं आपको अभी बताती हूँ। और ये नेक्स्ट मेरी क्या रूटीन है कि मैं रोज़ जो है वो गर्म पानी पीती हूँ। और गर्म पानी ऐसे कि ये नहीं है कि एक ही चीज़ पीती हूँ गर्म पानी में कुछ डाल के, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। डिफरेंट डिफरेंट मेरी चीज़ें होती हैं कि गर्म पानी में ये आज मैं इसबगुल डाल रही हूँ, सही है, और आप लोग भी ज़रूर पिया करें तो ये अच्छा होता है बहुत ज़्यादा। ये नेक्स्ट जो है वो मैं नाश्ता कर रही हूँ, काफ़ी हैवी नाश्ता था। और ये स्केयर पराठा है, मामा ने बना के दिया था, मुझे बहुत पसंद है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। और जो है वो मैं कहाँ जा रही हूँ इतनी सुबह सुबह? मैं जा रही हूँ, जो एक टेस्ट था वो देने जाना था, सो सुबह सुबह इसलिए निकल रही हूँ। और ये मुझे जो है वो घर वाले ड्रॉप करने जा रहे हैं टर्मिनल पर, और टर्मिनल पे ड्रॉप करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो मैं आपको मोटरवे का सारा दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा व्यू था, सो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जी आप सब बताएं कैसे हैं और रिव्यूज़ देते रहा करें वीडियो के, कैसी लगती हैं ये। जी मैं आ गई हूँ टर्मिनल पे और फ्रंट सीट थी मेरी। ये जी सनराइज़ देखिए यहाँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं हूँ टोल प्लाज़ा पे और सारा जो है वो इतना खूबसूरत लग रहा था मोटरवे पे सनराइज़ के, बहुत ही ज़्यादा मतलब अनडिफाइनेबल था। और जो है ना सनराइज़ और सनसेट जो है मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, सो इतना प्यारा लग रहा था बहुत ज़्यादा। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, और ये जी टेस्ट के सेंटर का जो है वो बाहर का व्यू है, इतनी सारी लड़कियां थी और जो है वो सब भी बेचारे परेशान थी। और ये जी एक दिन पहले की वीडियो है जिसमें मैं बना रही हूँ चिकन, और जो है ना मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, होप सो आपको पसंद आएगी। इसमें जो है वो मैंने क्या रेसिपी यूज़ की है, सिंपल सी रेसिपी है। मैंने जो है ना थोड़ा सा लिया है घी और थोड़ा सा लिया ऑयल, दोनों को मिक्स करके मैं यूज़ करती हूँ। और जो है वो अगर आप भी ऐसे करेंगे तो जो है वो रेसिपी आपकी जो भी बना रहे हैं, ठीक है, वो बहुत मज़े की बनती होती है, ठीक है, मिक्स करके यूज़ किया करें, सही है। अब यहाँ पे जो है वो मैंने चूल्हा जला लिया है, सबसे इम्पोर्टेंट काम, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैंने थोड़ा सा डाला है घी और थोड़ा सा डाला है मैंने ऑयल, ठीक है। जैसे आपको मतलब आपका चिकन ज़्यादा है कम है तो आपने वैसे जो है वो उतना ले लेना है। मैं क्वान्टिटी इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि जो है वो फिर आप सेम चीज़ वो ही फॉलो करेंगे, और 2 किलो के लिए मैंने बताया तो आप जो है वो 1 के लिए भी अगर वही ऑयल यूज़ कर लेंगे तो फिर ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए। और जी यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी है, उसके बाद मैंने जो है वो लहसुन अदरक को जो है वो कूट के डाल दिया है, सही है। और उसके बाद मैंने हल्का ब्राउन होने के बाद टमाटर और हरी मिर्चें भी काट के डाल दी हैं, सही है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो मैंने मसाले डाले हैं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने जो है वो नमक, मिर्च, हल्दी और इलायची और जो है ना कौन सा वो होता है, क्या होता है जी,
हाँ सूखा धनिया होता है, सही है, वो डाल दिया और कुछ भी नहीं डाला, सही है। उसके बाद मैंने इसको जो है वो हल्का सा मिक्स कर देना है, ठीक है, मिक्स मिक्स मिक्स। उसके बाद जो है ना मैंने हल्की आंच पे बनाती हूँ मैं, ठीक है। आप जब भी कोई चीज़ बनाएं तो ये क्या करें कि आप उसको हल्की आंच पे बनाएं, वरना जो है वो नीचे लग जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होता, सही है। और यहाँ पे मैंने जो है वो 2 घूंट के बराबर जो है वो पानी ऐड कर दिया, ताकि जो है वो टमाटर गल जाए अच्छे से, सही है। और फिर जो है वो मैंने इसके बाद चिकन ऐड कर दिया। चिकन आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि आप हल्का सा उसको ऑयल में पहले फ्राई कर दें, लेकिन मैंने कोई फ्राई नहीं किया था, मैं ज़्यादा बना भी नहीं रही थी और ना मैं गेस्ट के लिए बना रही थी कि भाई मैं शशके करती, तो इसलिए जो है ना मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे कर लिया, सही है। इसके बाद जो है वो मैंने उसको सही से भूना, और जो है ना भूनने के बाद मैंने इसका इसको कवर करके हल्की आंच पे छोड़ दिया था, और खैर से वो वाला क्लिप जो है वो मिस हो गया, इसलिए मैं आपको दिखाना भूल गई। सो अब यहाँ पे साथ साथ बन रही है रोटी, और ये मैं बना रही थी चाय। सो मैंने रिकॉर्ड कर ली, यू नो डेली व्लॉगिंग करनी होती है, तो जो है वो सब चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैं। और ये फाइनल लुक है, और रात के वक्त जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि लाइटिंग कैसे यूज़ की जाए, और फिर जो है ना ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये जो है वो क्लिप है कॉफ़ी का, ये मैं नेक्स्ट डे जब टेस्ट दे के आई हूँ तब की है। अच्छा ये मैंने लिया है दूध, ठीक है, दूध मैंने ऐसे लिया है कि इसको आपने उबालना नहीं होता, कभी भी उबालना नहीं है आपने, सही है, कॉफ़ी के लिए दूध उबालते नहीं होते। और यहाँ पे ये सारे शशके हैं, और ये मैंने सारी बॉटल्स निकाल ली थी, ये जो है वो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है, और ये नेस्कैफे की ही है सारी, ठीक है, ये बड़ी बॉटल है क्लासिक, सही है, और ये जो है वो स्मॉल बॉटल है साथ में, ठीक है। और आपका आपने करना क्या है, आप ये एक मिक्सी में भी बना सकते हैं, और आपके पास ये हैंड ब्लेंडर है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी मेकर है तो भी वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो एग बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीनी है, ठीक है, जो आपको मैं बताती हूँ कि हमने कितनी यूज़ करनी है। और ये वाला स्पून लिया मैंने, और जी हमने लिया है पानी, ठीक है, 1 कप, सही है। अब जो है वो करना क्या है, करना ये है कि ना आपने पानी मैंने ले लिया यही वाला 1 स्पून, ठीक है, पूरा ग्लास भर के नहीं डालता, और यही वाला जो स्पून है मैंने इसमें ले लिया है कॉफ़ी का, और ये है जी चीनी, ठीक है, सही है, जितनी आपने चीनी लेनी है उतनी ही कॉफ़ी लेनी है, ठीक है, फिर जो है वो ज़्यादा सही बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने कर देना है मिक्स मिक्स मिक्स, और फिर जो है वो मैंने चला देना है एग बीटर, सही है। और एग बीटर ऐसे चलाना है कि पहले जो है वो इसका इसको हल्का इसका स्पीड इसकी स्पीड रखनी है, सही है, और फिर जो है वो ऐसा ऐसा तेज़ कर देनी है। सो ये बहुत अच्छी सी रेसिपी है, और ये सबको बहुत पसंद है ये वाली कॉफ़ी, है तो वैसे आजकल कॉमन ही आपको कहीं पे भी जो है वो मिल जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन बात यह है कि सही अगर आपको पता हो कि कैसे बनानी है तो ही जो है वो रेसिपी आप फॉलो करें तो ही सही बनती है। हाँ मैंने ये ज़रूर बताया कि जो है वो आपने कभी भी दूध को बॉयल नहीं करना, ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा। और जी यहाँ पे मैंने कॉफ़ी को बीट करना शुरू कर दिया है, और ये बीट होगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा और लाइट होता जाएगा, जितना लाइट कलर होगा सही है, पूरा फ्लफी सा फेस बन जाएगा। ये मेरा ख्याल है कोई आधे मिनट के बाद की वीडियो है जिसमें जो है ना ये इसका कलर चेंज हो गया और ये जो है वो फ्लफी सा बन गया, सही है। और आपने जो है वो इसको क्या करना है, बीट करते रहना है, करते रहना, करते रहना है, और जो है इसका लास्ट में ये कलर हो जाएगा, तो ये बहुत लाइट हो गया, और ये आप ये देखें इसका टेक्सचर चेक करें, सही है। इसके बाद जो है वो आपने कपों में जो है वो पहले कॉफ़ी डाल देनी है, सही है, उसके बाद जो है वो आपने मिल्क ऐड कर देना है, भर भर के 2 चम्मच आप ऐड कर दें, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो जो है वो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन जो है वो ये मैं बना रही थी मामा और बाबा के लिए, तो मैंने बस 2 चम्मच ही डाले, चाहिए, और इसके बाद ऊपर से भी। और हाँ ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि जो है ना मतलब आपने दोनों चीज़ों की क्वांटिटी सेम ली है, सही है, इसलिए 2 चम्मच 3 चम्मच आराम से आप कर सकते हैं, सही है। उसके बाद मैंने जो है वो गर्म दूध डाल दिया, सही है, जो कि मैंने हल्की ही आँच पे गर्म किया था, इसको बॉयल नहीं किया था, हमेशा आपने माइंड में रखना है, सही है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है वो आपने कुछ नहीं करना, शशके मारने और पी लेना है, सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है वो मैंने दूध ऐड कर दिया है अच्छे से, और इसके बाद जो है वो मैं मिक्स करूँगी चम्मच की मदद से, सही है। ये जी फुल झाग वाली कॉफ़ी है, सही है, और कुछ भी नहीं ऐड किया, कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा लग रहा है कि जो है वो नेस्कैफे वाली जो हम मशीन से बनाते हैं वो है, ठीक है।
तो बल्कि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि होममेड चीज़ जो होती है वो हमेशा अच्छी होती है। और जी ये जो पेस्ट होता है ये मैंने इतना सा बनाया था, ये आप जो है वो एयर टाइट कंटेनर में सेव कर सकते हैं, ठीक है, फॉर अ वीक। और जी दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।